आपके फर्मे नंबर 9.7 और 9.8, 9.6 तक हमने पहले कर चुके हैं। तो देखो फर्मे नंबर है आपके 9.7। यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। आपको सिद्ध करना है कि अगर किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हो, समद्विभाजित, तो वो कैसा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज। पहले देखो चित्र बनाते हैं, पहले तो बनाना पड़ेगा चित्र। देखो सबसे पहले तो मैंने बनाया चतुर्भुज, कोई सा भी एक चतुर्भुज है, इसका नाम क्या है? ए बी सी और डी। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण, एक विकर्ण तो हो गया ये, एक विकर्ण तो हो गया आपके ये वाला, और एक विकर्ण हो गया आपके ये वाला। ये वाला विकर्ण तो इसको दो भागों में बांटता है, कितने बराबर भागों में? दो। और ये वाला विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांटता है, और ये दोनों जहां पर प्रतिच्छेदित करते हैं वहां पॉइंट है ओ। तो यह एक समांतर चतुर्भुज होता है। कौन सा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले तो सवाल में दिया हुआ है, बताओ क्या दिया हुआ है? देखो एबीसीडी एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर क्या हो रहे हैं? समद्विभाजित। मतलब एओ बराबर क्या है? सीओ। बीओ बराबर क्या है? बी। चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज क्या नाम है चतुर्भुज का? ए बी सी डी में, इस चतुर्भुज में ये एओ इसके बराबर है। एओ बराबर क्या है? सीओ। और बीओ बराबर क्या है? डीओ। बीओ बराबर है डीओ, बराबर है। क्यों? सवाल में कहा है किसके विकर्ण परस्पर क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित। हमें करना है सिद्ध। अगर ऐसा है तो क्या होगा? आपको बता रहे ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है? समांतर है। ए बी सी डी ए क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। अब बताओ समांतर चतुर्भुज के क्या गुण हैं? क्या गुण होते हैं? एक तो उसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, और आमने सामने भुजाएं कैसी होती है? समांतर। हमें आमने सामने भुजाएं बराबर लानी है, और आमने सामने भुजाएं समांतर लानी है। अगर ऐसा हुआ तो एक कैसा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर। अब ध्यान दो, अगर आपको यहाँ पर देखो त्रिभुज बन रहे बहुत सारे, आमने सामने के कोई दो त्रिभुज लेने, एक तो ले लो ये वाला और एक ले लो ये वाला, चाहे एक ले लो ये वाला और एक ले लो ये वाला, और दोनों को करना है सर्वांग सम। क्या करना पड़ेगा? सर्वांग सम कर देंगे तो सर्वांग सम में त्रिभुज की भुजाएं कैसी होती? बराबर हो जाएगी। इन दोनों त्रिभुजों को करना पड़ेगा सर्वांग सम। अब देखो सर्वांग सम करने के लिए उत्पत्ति में बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे आसानी से हो जाएगा। एक तो ले रहे ये वाला त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी, सी ओ डी से दोनों में कितनी चीजें बराबर कर दो? सर्वांग सम करने तीन चीजें बराबर करनी है। देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ। इस त्रिभुज की तो ए ओ भुजा और इस त्रिभुज की सी ओ भुजा, एओ नाम इधर भी और सीओ नाम, क्यों बराबर है? सवाल में दिया हुआ है कि विकर्ण क्या कर रहे हैं? परस्पर समद्विभाजित। नंबर दो, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, ये भी सवाल में दिया हुआ। इस त्रिभुज की तो बीओ भुजा और इस त्रिभुज की डीओ भुजा बराबर है, क्यों है? सवाल में दिया हुआ है कि चतुर्भुज के विकर्ण क्या कर रहे हैं? चतुर्भुज के विकर्ण क्या कर रहे हैं? परस्पर क्या कर रहे हैं? परस्पर समद्विभाजित हो रहे हैं, समद्विभाजित हो रहे हैं, ये लिख सकते हो आप। इसलिए दोनों भाग क्या है? बराबर। दो चीजें हो गई, एक और बताओ, ये वाला कौन और ये वाला कौन?
कौन से कौन? शीशा भी कौन? ये हो गया एक नंबर, वो ये हो गया दो नंबर। कौन नंबर एक बराबर हो जाएगा कौन नंबर दो? कारण क्या हो जाएगा? शीर्षा भी कौन? शीर्षा विमुख कौन? क्या लिख सकते हो? वर्टिकल अपोजिट एंगल। शीर्षा विमुख कौन? ओके, तीन चीजें बराबर। जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समान। कौन सा नियम लग गया? देखो, फिर पहले भुजा, फिर कोण, फिर भुजा। एस 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 ए एस एस ए एस एस ए एस नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी समान सम है त्रिभुज सी ओ डी। अगर समान सम है तो इसके अन्य भाग भी क्या होंगे? बराबर। इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या हो जाएगी? बराबर। ए बी बराबर क्या हो जाएगी? सी डी। क्यों हो जाएगी? बाय सी डी। देखो, आमने सामने एक भुजा तो बराबर हो गई, ठीक है। अब क्या करना है? समांतर भी करनी है। अब समांतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोणों को क्या करना पड़ेगा? बराबर। देखो, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समान। ये तो हो गया तीन नंबर और ये हो गया चार नंबर। कोण नंबर तीन बराबर हो जाएगा कोण नंबर चार। क्यों हो जाएगा? बाय सी पी सी डी। अब देखो, ये और ये बराबर है, मतलब ये दो रेखाएं, इनको तीन रेखा काट रही है, एक उधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, मतलब कौन से कोण है? अब पहले जब रेखाएं समांतर तो एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर। अब एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं कैसे हो जाएगी? समांतर। या इनको कह सकते हो आप कौन से कोण, या इनको कह सकते हो आप एकांतर कोण। अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं कैसी होती है? समांतर। अतः क्या हो जाएगा? ये ए बी समांतर क्या हो जाएगी? ए बी समांतर हो जाएगी सी डी। यही भुजा बराबर और यही भुजा समांतर, ऐसा ही तुम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेके करोगे तो क्या होगा? यही भुजा बराबर हो जाएगी और यही भुजा क्या हो जाएगी? समांतर। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अब क्या लिखोगे? इसी प्रकार, इसी प्रकार ए डी बराबर क्या हो जाएगी? ए डी बराबर क्या हो जाएगी? बी सी। और ए डी समांतर क्या हो जाएगी? बी सी। आ गया, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, अतः ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर। चाहे तो समीकरण लगा लो, ये तो हो गई समीकरण नंबर एक, ये हो गई दो, ये हो गई तीन, ये हो गई चार। तो क्या लिखोगे? समीकरण नंबर एक दो तीन व चार से ए बी सी डी ए क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। आगे समझ में? तो यहाँ इन दोनों त्रिभुजों को करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखोगे? इसी प्रकार, सिंपल। आ गया ना? अब ये वाला प्रमेय नंबर 9.8, देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर हो। देखो, सबसे पहले तो चित्र बना दें, सबसे पहले तो बनाया मैंने चित्र, इसमें आपसे कहा है कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, पहले तो ए बी सी डी, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। एक युग्म कैसा है? केवल एक है, या तो ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, हम ये दोनों ले लेते हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके समांतर, केवल एक जोड़ा, ये दोनों समांतर और बराबर नहीं है, तो आपको सिद्ध करना है अगर ऐसा है तो ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले तो सवाल में दिया हुआ, बताओ क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी ए क्या है? एक समांतर नहीं है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर समांतर तो हमें सिद्ध करके बताना है, एक चतुर्भुज है जिसमें क्या दे रखा है? जिसमें ए बी बराबर क्या है?
ए बी बराबर है सी डी के, और साथ ही ए बी समांतर क्या है सी डी। ये भुजाओं का एक युग्मन, समूह भुजाओं का एक युग्मन समांतर भी है और बराबर भी। हमें सिद्ध करना पड़ेगा अगर ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाए और ये दोनों भुजाएं भी समांतर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, समांतर त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है कि एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी ए क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। इसके लिए हम करेंगे रचना, क्या रचना करेंगे, एक विकर्ण बनाओ, या तो एसी बनाओ या बीडी बनाओ, कोई सा भी एक विकर्ण एसी बना लो। हमने क्या किया, विकर्ण एसी को क्या किया, एक को किससे मिलाया, सी से मिलाया, या लिख सकते हो विकर्ण एसी खींचा। ठीक है, अब देखो यहाँ कितने त्रिभुज बन गए, दो त्रिभुज बन गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों त्रिभुजों को करना कर दो सर्वांगसम। सर्वांगसम करते भुजाएं कैसे हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। एक तो ये वाला क्या नाम है, उपपत्ति में देखो हमें क्या करना है, इसको कौन सा चतुर्भुज बनाना है, समांतर चतुर्भुज बनाना है। देखो ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर भी होनी चाहिए, और ये दोनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर भी होनी चाहिए। तो हमें ये दोनों भुजाएं बराबर करने के लिए इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम। तो देखो सबसे पहले तो ये लिख लो, चाहो तो जो सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है, चलो पहले दो ए बी बराबर क्या दे रखा है सी डी, और ए बी समांतर क्या दे रखा है, ए बी समांतर क्या है सी डी। ये दोनों क्यों है सवाल में दिया हुआ, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर एक। अब लेंगे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, इसका क्या नाम है, इसका ए बी सी है सी डी है, सी डी एस, दोनों में कितनी चीजें बराबर कर दो, तीन चीजें बराबर कर, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे। देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, सवाल में ए बी बराबर क्या है, इस त्रिभुज की तो ए बी भुजा और इस त्रिभुज की सी डी भुजा, क्यों बराबर है सवाल में दिया हुआ। दूसरी बताओ ऐसी उभयनिष्ठ है, ये ऐसी भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है और ऐसी भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है, दोनों में आ रही है उभयनिष्ठ है, ऐसी बराबर क्या है ऐसी, क्यों है, ये हो जाएगी उभयनिष्ठ, क्या हो जाएगी उभयनिष्ठ। ओके एक और बताओ, एकांतर कोण, ये देखो ये रेखा, ये दोनों रेखाएं कैसी है, हमको तीर रेखा काट रही है, इस त्रिभुज का ये कोण नंबर एक और इस त्रिभुज का कोण नंबर दो बराबर है, इस त्रिभुज का तो कोण नंबर एक और इस त्रिभुज का कोण नंबर दो बराबर है, क्यों बराबर है, एकांतर कोण, कौन से कोण है, अब बताओ हो गई तीन चीजें बराबर, जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं समांतर। अब नियम कौन सा लग गया, ये भुजा फिर कोण फिर भुजा एस ए एस, कौन सा नियम लग गया एस ए एस नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी एक है। आगे सर्वांगसम, अगर सर्वांगसम है तो इसके सभी भाग कैसे होंगे, इस त्रिभुज की तो ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, देखो इधर क्या देख लो, इस त्रिभुज की तो कौन सी भुजा बी सी, बताओ बी सी बराबर क्या हो जाएगी ए डी, क्यों हो जाएगी बाय सीपी सीडी, बाय सीपी सीडी हो जाएगा। अब देखो ये दोनों बराबर हुई है, अगर ये दोनों क्या हो जाए समांतर, बराबर हुई है अगर समांतर हो जाए तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे। अब समांतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही एकांतर कोण बराबर करने पड़ेंगे और रेखाएं कैसे हो जाएगी समांतर। देखो इस त्रिभुज का तो ये वाला कोण तीन नंबर और इस त्रिभुज का ये वाला कोण चार नंबर बराबर है। देखो
ये एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, कौन से कोण है? एकांतर कोण। एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं कैसे होती है? समांतर। ये और ये रेखाएं कैसे हो जाएगी? समांतर। क्या लिखोगे? इस त्रिभुज का 3 नंबर और इस त्रिभुज का 4 नंबर क्यों बराबर है? बाय सीपी सीटी ऐसे लिख रहे हैं, बाय सीपी सीटी। हो गया। अब ये दोनों जो कोण है वो कौन से कोण है? एकांतर कोण। अब नियम बताया हुआ है, अगर एकांतर कोण बराबर हैं, तो रेखाएं कैसी होती है? समांतर। रेखाएं कैसी होती है? समांतर। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कैसे हो जाएगी? समांतर। बीसी समांतर क्या हो जाएगी? एडी। अब देखो ये तो पहले ही दिया हुआ है, अब इसको मान लो, ये तो हमने समीकरण एक लिख दी और इसको मान लो दोनों को, समीकरण नंबर 2 क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से देखो, सवाल में पहले दिया हुआ था ये इसके समांतर है और ये इसके बराबर है, हमने सिद्ध कर दिया ये दोनों बराबर है और ये दोनों ही कैसी है? समांतर। इसका मतलब क्या हुआ? एबीसीडी क्या है? एक समांतर। अब आगे एक लाइन लिखना, अतः समीकरण नंबर 1 व 2 से मैंने लिख दिया एबीसीडी क्या है? एक एबीसीडी ए क्या है? समांतर चतुर्भुज। ए के समांतर चतुर्भुज। आगे समझे? उतारो।